हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कार ऑटो शो। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर दूं, उसका जो डिजाइन इंस्पायर किया गया है फोर्ड की F-150 पिकअप ट्रक से, जो ट्रक अमेरिका में ऑलरेडी अभी इस टाइम चलता है। लेकिन वो जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पिकअप ट्रक है। उसके डिजाइन से नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर को इंस्पायर किया गया है और उसी के कुछ इंटीरियर और एक्सटीरियर लुक्स के साथ फोर्ड एंडेवर को डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर की जो टेस्टिंग है वो ऑस्ट्रेलिया के शहर में इसकी टेस्टिंग की जा रही है। जो पहले वाली फोर्ड एंडेवर थी उसके अंदर आपको 2.3 लीटर का डीजल मिल जाया करता था, जिसको फोर्ड एंडेवर ने डिसकंटिन्यू कर दिया गया फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर। और अब जो मॉडल आ रहा है फोर्ड एंडेवर का, उसके अंदर आपको 2.2 लीटर का डीजल मिल जाता है। लेकिन अब जो नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर लॉन्च होने वाली है इंडिया के अंदर, उसके अंदर आपको पावर मिलने वाली है बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है, क्योंकि ये पावर टोयोटा फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा और एमजी ग्लोस्टर से भी ज्यादा होने वाली है, जो रिवील करेंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर को और एमजी ग्लोस्टर को। क्योंकि इसके अंदर आपको 2 लीटर का ट्विन टर्बो चार्ज 4 सिलेंडर डीजल मिलने वाला है, जो प्रोड्यूस करेगा 210 BHP की पावर और 500 Nm का टॉर्क, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ये पावर बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और दूसरा है 3 लीटर का टर्बोचार्ज 6 सिलेंडर डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 250 BHP की पावर और 600 Nm का टॉर्क। और तीसरा इंजन ऑप्शन है 2.3 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्लग इन हाइब्रिड, जो प्रोड्यूस करता है 270 BHP की पावर और 680 Nm का टॉर्क। लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ इंडिया के अंदर एक ही इंजन ऑप्शन दिया जाएगा, वो है 2 लीटर का ट्विन टर्बो 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करेगा 210 BHP की पावर और 500 Nm का टॉर्क। जो दो इंजन जो मैंने आपको बताए हैं, डीजल वाले और पेट्रोल वाले, ये इंटरनेशनल लेवल पे ही लॉन्च किए जाएंगे, ये इंजन इंडिया में लॉन्च नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर के अंदर आपको न्यू स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक मिल जाती है, जो F-150 ट्रक पिकअप ट्रक से ली हुई है, जो अमेरिका में ऑलरेडी चलता है इस टाइम पे, जो बहुत ही ज़्यादा बिग है, जो ट्रक पिकअप ट्रक है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। उस डिजाइन से इसको इंस्पायर किया गया, जो आप खुद सोचो जब ये गाड़ी इससे अगर इंस्पायर की गई है तो कितनी बड़ी होगी दिखने में। आप इसके फ्रंट में LED हेडलाइट्स और सी शेप की लाइट्स देख सकते हैं, LED फॉग लैंप्स। इसके सामने आपको फ्रंट लुक पे न्यू इंटीग्रेटेड ग्रिल देखने को मिलेगी, LED फॉग लाइट्स। अगर इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो पावर ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्स, डोर हैंडल्स, रूफ रेल्स, क्रोम स्ट्रिप्स इन डोर हैंडल्स। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रोम्स का भी काम किया गया है। आप इसके साइड प्रोफाइल की देख सकते हैं कि काफ़ी लार्ज पिलर्स आप देखेंगे कि इस फोर्ड एंडेवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिग तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। और इसके अंदर आपको 18 इंच के अलॉय व्हील का यूज़ किया जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। और अगर आप अभी इसमें मिलने वाले वेरियंट्स की बात कर लें तो इसके अंदर आपको 6 तरह के अलग अलग वेरियंट्स मिल जाएंगे। पहला है एम्बियंट वेरियंट, दूसरा है ट्रेंड एंड ट्रेंड स्पोर्ट वेरियंट, वाइल्ड्रेक्स एक्स वेरियंट और टाइटेनियम एंड प्लेटिनम वेरियंट। लेकिन इंडिया के अंदर केवल आपको एम्बिएंट एंड स्पोर्ट वेरिएंट ही लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर आपको 4x2 एंड 4x4 का ऑप्शन मिलेगा 2.0 लीटर वो चार्ज डीजल इंजन के साथ में। नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर के अंदर काफ़ी बड़े तरीके से इंफोटेनमेंट सिस्टम में बदलाव किए गए हैं। इसके अंदर आपको ब्रांड न्यू सिंस 4 इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो 12.8 इंच वर्टिकल इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन दी हुई है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसके अंदर आपको 10.25 इंच की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इस सेगमेंट के अंदर। और इसके इंटीरियर में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम तरीके से बदलाव किए गए हैं। इसके अंदर प्रीमियम क्वालिटी का सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील। इसके अंदर आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स और न्यू डैशबोर्ड सेटअप देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, कार कनेक्टिविटी, इसके अंदर आपको 3 ड्राइविंग मोड्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, रिमोट कीलेस एंट्री, एम्बिएंट लाइटिंग। और इसके अंदर आपको रिमोट ट्रंक ओपनर मिल जाता है। और इसके अंदर आपको बहुत ही बड़ी देखने को पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वेंटिलेटेड सीट एंड लंबर सपोर्ट, और इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट के साथ लंबर सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है, जो बैठने में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देगा, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है इस सेगमेंट के अंदर। अगर अब बात कर लें नेक्स्ट जनरेशन फोर्ड एंडेवर में मिलने वाली एडवांस सेफ्टी की, तो इसके अंदर आपको ADAS नाम की एडवांस सेफ्टी मिलती है। और इसके अंदर आपको ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एंटी पिच पावर विंडो। और इसके अंदर आपको स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं।
अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे।